Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है. मम्मा कहो, मैंने एक कछुआ बनाया है, वो ना खरगोश से भी फास्ट रन करता है मम्मा. हाँ मम्मा. सर सुमी वीकेंड पे हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करता था, लेकिन वो यहाँ जॉब नहीं करता था, वो तो किसी एक्सपोर्ट हाउस में. टाइमिंग क्या है आपके स्पा की? सर मॉर्निंग 11 टू नाइट 10 और आफ्टर 10 अनऑफिशियली. सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा, हमारा स्पा बहुत रेपुटेड स्पा है, आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं. एक काम कीजिए, अपने पिछले 3 महीने के सारे कस्टमर्स की लिस्ट दीजिए हमें. ओके सर. रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर टू हैप्पीनेस है. सर ये लीजिए, इसमें सारे डिटेल्स हैं. भारद्वाज सर नोट करो. क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? आज गांव में पुलिस आई थी. क्या पुलिस आई थी? सुमदिमा और कीत की डाइवोर्स की कोई खास वजह? सर सुमी शुरू से ही कीत को पसंद नहीं करती थी. सुमी को जैसा लड़का चाहिए था वैसा शायद ही आज घर जमाई बन के रह सके. और कीत के अलावा पापा को कोई ऑप्शन नहीं था. पापा ने कीत को सेटल करने के लिए काफी उपाय किए. सर उसे कुछ नहीं आता था, ऊपर से शराब की लत थी, आपस में झगड़ा करते रहते थे. एक दिन पता नहीं क्या हुआ कीत को, चुपके से मेकेशी को लेकर दिल्ली आ गया. फिर बहन हमारे ऊपर, हमारे कम्युनिटी के ऊपर नाराज हो गई और नाराज होकर दिल्ली आ गई. दिल्ली आकर सबसे पहले उसने कीत के अगेंस्ट में डिवोर्स फाइल किया. उसके बाद मेकेशी को अपने कस्टडी में लेके अकेले रहने लगी. सर 6 महीने पहले पापा एक्सपायर हुए, वो देखने तक नहीं आई. अब सुमदिमा तो मर गई, लेकिन तुम्हारे कस्टम के अनुसार उसकी जायदाद पे किसका हक होगा? मेकेशी का सर, मैं मामा हूँ सर, उसे यहाँ लेके आऊंगा. हमारे कम्युनिटी के अनुसार जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, मतलब शादी लायक नहीं हो जाती, तब तक मैं देख रेख करूंगा. कितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी? सर ये घर है, खेती वाली जमीन है, सब कुछ उसी का. इससे तो तुम और भी ज्यादा हमारे शक के दायरे में आ जाते हो, क्योंकि सुमदिमा तुम्हारे बस में नहीं थी इसलिए तुमने उसको मार दिया, और अब उसकी बेटी. सर आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंस है तो साबित कीजिए. हो गया मैंने. मुझे आज घर जल्दी जाना है. सुन कीट तुझे परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं. सर मैंने होटल चेन में सारे स्टाफ से पूछताछ की. हाउसकीपिंग के एक लड़के ने रोहित को देखा था होटल लॉबी में एक लड़की के साथ. कहीं वो लड़की सुमदिमा तो नहीं थी? मैडम आई एम योर ओनली एडम. इस लड़की को तो मैंने उस दिन स्पा में देखा था. रजिस्टर कहाँ है?
रजिस्टर टू हैप्पीनेस है। सर, ये देखिए। तुम्हें से कीट कौन है? मैं हूं सर। मर्डर वेपन पर पाए गए फिंगरप्रिंट से हत्या का शक सुमदिमा के तलाकशुदा पति कीट पर आया और मिकेशी के लापता होने के पीछे भी कीत को समझा गया। देख कीत, तेरे कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि कल तू करुणा के घर पर था। करुणा की मदद से ही तूने सुमदिमा का मर्डर किया। और जब तुझे लगा कि करुणा तेरा राज खोल देगी, तूने करुणा को भी मार डाला। और अब मिकेशी को किडनैप कर लिया तूने। ड्रामा मत कर। मुझे नहीं पता सर, मैंने तो करुणा का मर्डर किया और नहीं मिकेशी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जिस चाकू से तूने करुणा का मर्डर किया उस पर तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। साहब, मैं मानता हूं कि मैं कल रात को करुणा के साथ मिला था, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। वो चाकू तो मैंने उसे गिफ्ट दिया था। ये क्या है? वैसे तो मैं इससे फ्रूट काटता हूँ, अब तू समय कर, गिफ्ट है। तुम भी ना। गिफ्ट? मैं करुणा से प्यार करता था। मुझे तो लगता है करुणा का मर्डर रोहित ने किया। तूने देखा रोहित को मर्डर करते हुए? नहीं सर, लेकिन वो सुमी के मर्डर वाली रात मैंने करुणा को रोहित के साथ देखा था। जब मैं बाहर से वापस आ रहा था ना साहब, तब मैंने करुणा को रोहित के साथ होटल स्टे इन के अंदर जाते हुए देखा था। मैं वो होटल के बाहर करुणा का वेट करता रहा। वो एक डेढ़ घंटे के बाद बाहर आई और मैंने उससे पूछा, तू रोहित के साथ अंदर क्या कर रही थी? तो उसने कहा कि मैं रोहित से मिलने नहीं आई थी, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी। और रोहित मिल गया तो बात करने लगा। सुमी का बॉयफ्रेंड है ना, इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। सर, ये सब बात मैं पहले आपको बोलता तो आप खामोखा में सुमी के मर्डर के बारे में करुणा पे शक करते थे। सब मुझे तो लगता है कि रोहित ने सुमी का ही नहीं, करुणा का भी मर्डर किया और मेरी बेटी मिकेशी का भी गायब किया। सर, मेरी जब आँख खुली तो मेरे शरीर पे कपड़ा नहीं था और मेरे आसपास भी कोई नहीं था। फिर अगले दिन मुझे किसी का फोन आया, मुझे फोन पे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल? हाँ सर, मेरे ऑफिस में मेरे नाम से एक कॉन्फिडेंशियली एनवलप आया जिसमें मेरे और करुणा के नेकेड पिक्चर्स थे। फिर मुझे एक फोन आया। हेलो, कल रात सुमी ने तुम्हें करुणा के साथ देख लिया था, ये उसी का प्रूफ है। What? सर, मैंने ये सब बात पहले इस मारी नहीं बताई कि आप इस बात को सच ना मान लो। तो ये बता कि तेरी इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मुझे नहीं मालूम मेरे फोटो क्यों खींचे, मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है सर। वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। तो तुझे ये तो ध्यान होगा किस नंबर से कॉल आ रही थी। हाँ सर, करुणा के साथ मिलकर तुमने रोहित और सुमदिमा के बीच में तो गलतफहमियां पैदा कर दी। अब ये बता कि मिकी और करुणा क्यों मारा? सर, करुणा ने खुद मुझे फोटोग्राफ दिए थे, मैंने कुछ नहीं कहा था उससे। मैंने मारा दोनों को, लेकिन मिकी के जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा भी हक है। पहले मेरी छोटी बहन वो खारू बन के मेरे बाप के प्रॉपर्टी की मालिक बन बैठी। खारू ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद उसकी छोटी बेटी मिकी खारू थी सर। और इस बात से करुणा को भी जेलासी थी और मैंने इसी बात का फायदा उठा लिया। मैंने करुणा को बोला कि मिकी का पत्ता साफ करना है, तो वो मान गई। तो हमने डील की कि वो जब खाड़ू बनेगी तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देगी। करुणा ने मिकी को दिल्ली घूमने के लिए बुला लिया। वो यही दिल्ली की एक होटल में रुकी थी और इधर सुमी को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मिकी को दिल्ली में जानने वाला कोई नहीं था। हमें लगा कि उसकी बॉडी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा,
और जब मिकी के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा तो गांव वाले उसे मरा हुआ मानकर करुणा को खाड़ू बना देंगे। चलो इसको यहाँ पे डाल, इसको कहीं दूर ले जाके फेंकना पड़ेगा। रुक, इसका शक्ल खराब करना पड़ेगा। जब आपने बोला कि डेड बॉडी के पॉकेट में सुमी का क्रेडिट कार्ड मिला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि वो सुमदिमा है। और दूसरी तरफ इस केस में आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट देखकर करुणा डर गई थी। वो कैट की गर्लफ्रेंड थी, मुझे लगा वो डर के मारे कैट को सब बता देना थी। जाने दीजिए मेरा बच्ची, बस मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। आखिरकार गुमनाम लाश की पहचान मिकी से कर ली गई। बुरी नीयत से किस्मत बदलने की जितनी भी कोशिश की जाए लेकिन नियत ही नहीं बदली जा सकती। जिंदगी की रेस जीतने के लिए धोखे और फरेब का ट्रैक पकड़ने वाले जीतने का ख्वाब भले ही देख लें, लेकिन अगर आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो तो एक ना एक दिन ठोकर जरूर लगती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।